तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। 2 महीने बाद आज माइनक्राफ्ट की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मज़ा भी आ रहा था थोड़ा सा, लेकिन बाद में रीज़न बताऊँगा कि क्यों नहीं हम लोग इतना हो रहे थे, मतलब इनएक्टिव था मैं यूट्यूब पर भी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिल नहीं चाह रहा था इतना बनाने का, क्योंकि वो अपना वर्ल्ड जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑफ कैमरा भी की हैं जो कि मैं अभी दिखाता हूँ, जैसे ये सब तो पता है। ये क्या है, कोल डीप स्लीप? अच्छा, ये तो माइनिंग के हम लोगों ने किया था जब ये पूरा डायमंड हमने लिया था। हाँ, तो इनएक्टिव की वजह जो टाइम था, मतलब तो उसकी वजह ये भी थी कि जब मैंने रिकॉर्डिंग करना बंद किया था, एक तो मेरे असेसमेंट स्टार्ट हो गए थे उसके बाद, तो वैसे भी टाइम नहीं हुआ, रिकॉर्ड करने का दिल भी नहीं चाह रहा था, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मैंने कहा था थोड़ी देर, मतलब थोड़े दिन का गैप लेते हैं, तो वो गैप ख़त्म हुआ। ये देख सकते हो ना, ये दिखाता हूँ, जितने यहाँ पे विलेजर्स थे ना, मैंने सबको कैप्चर किया है अपने यहाँ पे, ये ऑफ कैमरा पूरा यहाँ पे इन सबको कैप्चर किया। और ये देखो, इन सबसे मैंने कुछ ट्रेड भी किए हैं जिससे मुझे ये चीज़ें मिली। अब मेरे पास 2 डायमंड शायद हैं, देख लेता हूँ, इसमें नहीं है, चलो 4 डायमंड यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, फिर हम लोग कर सकते हैं। और ये इन्होंने अपनी ट्रेड ही चेंज कर दी, मैं काफ़ी टाइम से नहीं आया वो फायर स्पेक 2.1 क्या फायर स्पीड फायर स्पेक मेंडिंग। हाँ, ये देखो मेंडिंग वाला भी था। ओके, तो आज का जो हम लोगों का, मतलब जो हम लोग करने जाने वाले हैं, वो है कि हम लोग को एक अपना बेस बनाना है, और फूल ले लेते हैं। हाँ, तो हमें सबसे पहले तो अपना बेस बनाना है और एक इंचेंटिंग टेबल बनानी है, जिससे फिर हम लोग, मतलब आर्मर हमारा अच्छा हो जाए, इंचेंटेड स्टफ हो जाए। तो ये आज के हमारे 2 गोल हैं। तो मैंने एक लावा पुल देखा तो था, वहाँ जाके सबसे पहले तो वो करते हैं, नदर पोर्टल बनाते हैं, नदर चलते हैं, ताकि अचीवमेंट उसकी अलग मिल जाए। ब्लैक वूल है मेरे पास, तो ग्रेवल और मैंने ये ले लिया, ताकि क्या किस्मत, देखो पहली बारी में चीज़ें खुल रही हैं। चलो, अब सबसे पहले मैंने एक लावा वो देखा तो था, लावा पूल इस साइड पर था कहीं पर, तो वहाँ पर चलते हैं, नदर पोर्टल बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एक्सपी तो फिलहाल मेरे पास 38 है, एक्सपी फार्म भी बनाना पड़ेगा। आज नहीं बनाएंगे, लेकिन आज हम लोग खाली बेस बनाएंगे और अपना इंचेंटिक टेबल पास नहीं, तो मेरे पास वैसे बुक शेल्फ भी पड़े हुए हैं ना, ताकि हमारे पास वो हो जाए, देखो माइन जा रही है, वो हो जाए, मतलब इंचेंटेड स्टफ जो हम लोग कर सकेंगे वो उतना मैं कर लूँगा। लैपिस भी पड़ा हुआ है मेरे पास। अब आर्मर 3, आर्मर नहीं हो पाएगा, अब मैं भूल गया किस तरह बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको, ओ आता है भाई, चलो अब इसको यहाँ से उठाते हैं, अब ये लेते हैं। अब मेरे ख्याल से इसको यहाँ से ऐसे करना था, पोर्टल हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है, अब मेरे ख्याल से बंद तो गया वैसे। हाँ, यहाँ से पानी उठाते हैं, अब भी इतनी मुश्किलों से बनाए ना, मुझे पता है पानी है। क्यों नहीं चल रहा था ये, क्या हुआ था? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम नदर में जाते हैं, अचीवमेंट वगैरह जो भी लेनी होती है वो ले लेते हैं, फोर्ट्रेस का देखते हैं कितना। मुझे कोई चांस बताएगा इसके कितने हैं फोर्ट्रेस के? और वहां पे वॉप्ड बायोम जिससे, हाँ यहाँ पे वॉप बॉय जहाँ से हमें एंटरपल्स भी मिल सकते हैं यार। हाँ वैसे वॉप बॉय में कितना लकी है ये यार, ये कितने चांसेस होते हैं, 1 इन कितने? नहीं भूल गया क्या मैं करना, नहीं
नहीं यार रुक जा। चलो जो अचीवमेंट लेनी थी वो हमने ले ली, हम आपसे यार बस कोई ज़रूरत नहीं। हाँ तो अब चलो वापसी आते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग को इंचेंटिंग टेबल बनानी है ताकि हम लोग हमारा सामान थोड़ा इंचेंट करें। इंचेंट करते हैं सामान, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने बेस बनाने। बेस मैं सोच रहा हूँ किस इस तरह बनाऊँ कि इसको पहले थोड़ा फ्लैट करूँ लैंड को, फिर उसके बाद हम लोग सीधा 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 मतलब बहुत कासल टाइप का, क्या ये मैंने क्या, हाँ कासल टाइप का कोई एकदम बेस। कौन है पागल? हाँ कासल टाइप का कोई बेस बना था कि मतलब बनाए भी तो मतलब रहने में भी अच्छा लगे, बेस हो अच्छा सा। चलो यहाँ आ चुके हैं हम लोग, अब अपने विलेजर्स को भी देखना है क्या देते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास डायमंड्स हैं दो, मुझे वैसे ही चाहिए डायमंड्स। और मुझे क्या चाहिए था, ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन वहाँ से लेकर आते हैं, और बाकी बुक शेल्फ यहाँ से ले लेते हैं। मैं बुक शेल्फ यहाँ पे ना लगा ही देता हूँ वैसे। काम तो वैसे मैं अच्छे ही करता हूँ। चलो ये मैंने जानबूझ के किया था कि मुझे बुक्स मिल जाए, और ऑब्सीडियन लेकर आते हैं। चलो ऑब्सीडियन लेकर आते फटाफट से। ओके ऑब्सीडियन ले लिया हम लोगों ने, अब जाते हैं। और मतलब जो हमारा जो बेस अभी अभी की नहीं बेस है वहाँ चलते हैं। अभी इंचेंटिंग टेबल बनाते हैं, जो जो चीज़ें इंचेंट हो सकती हैं उतनी करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं नेदर के लिए। नहीं ले नेदर में क्या काम हमें। एक काम करते हैं इंचेंट करते हैं स्वॉर्ड वॉर्ड पे, क्या जो जो इंचेंट हो सकती है वो इंचेंट करते हैं। और फिर कितना अच्छा लगे इतना टाइम पर इंचेंटिंग। ओके ये आ गया है कुछ नहीं गेट, अच्छा वो ओके इंचेंटिंग टेबल। अच्छा जी वैसे मुझे आयरन फार्म भी बनाना था, एनविल की नहीं है। तो पहला ही फायर एस्पेक्ट टू एफिशिएंसी 3 तो हम लोग को नहीं चाहिए, सब में एफिशिएंसी 3 मिल रहा है। ये दोनों चेक करते हैं, ब्रेकिंग 3 थॉर्न्स 2। आई थिंक सबसे पहले सॉर्ड का देखते हैं, सही सॉर्ड है अब इतनी भी बुरी नहीं है। प्रोटेक्शन 3 नहीं, फायर प्रोटेक्शन 3 नहीं, बाकियों में भी देख लेना अभी जो मैं अच्छा मिलेगा वो लगा लूँगा। नहीं मुझे प्रोटेक्शन 3 वगैरह, देखो एफिशिएंसी 4 है ना, वी कैन ट्राई। ओके बेस्ट बेस्ट सिल्क टच, भले सिल्क टच है बट स्टिल फेदर फॉलिंग 2। एक काम करते हैं इसमें फेदर फॉलिंग 2 ले लेते हैं। फिलहाल मैं लो वाले ले रहा हूँ, इसमें फायर प्रोटेक्शन 1 ले लेते हैं। प्रोटेक्शन 4 मुझे चाहिए, प्रोटेक्शन 4 मुझे चाहिए। प्रोटेक्ट लैपिस लजुली वी की कमी है। ओके अब यहाँ चलते हैं थोड़ी सी ट्रेडिंग करते हैं। थोड़ी सी ट्रेडिंग करते हैं ताकि थोड़ी एक्सपी बढ़े। और ये 32 दोनों ही 32 में दे रहे हैं, 26 हो गई ना, देखो जल्दी जल्दी। चलो इधर आ कहाँ जा रहा है, ये मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगी। चलो देखते हैं कितने में देता है। ओके एमरल्ड्स के एमरल्ड्स भी मिल रहे हैं, एक्सपी की एक्सपी भी मिल रही जा रही है हमें। चलो मैं मिलता हूँ 2 मिनट में, थोड़ी सी एक्सपी जमा करके इनसे ट्रेड करके। तो मुझे नहीं लगा था इतना टाइम लगेगा इसको करने में, बट टाइम ठीक ठाक लग गया। अब ये मैं लैपिस भी थोड़ा करके ले आया, मैंने कहा बाकी चीज़ें भी इंचेंट हो जाएंगी
जैसे बाकी का जो हमारा आर्मर है, लेकिन हम मैंने सोचा देखो प्रोटेक्शन तो गलत हो गया, मुझे नहीं लगा था कि इतनी बुरी किस्मत होगी। क्या करें क्या करें, चलो एक काम करते हैं, चलो तो एक ग्राइंड स्टोन भी बनाता हूँ मैं, उसको भी इंचेंट करके देख लेते, कुछ तो मिलेगा। चलो सही है, मुझे अपनी शॉर्ट सही करनी थी, ये डायमंड पड़ा हुआ है। हाँ स्वॉर्ड ठीक करते हैं अपनी, नहीं वैसे अभी की नहीं तो सही है स्वॉर्ड, बाकी आर्मर अजीब सही है। तो अब चलते हैं बेस के ऊपर, जो हम लोग मैं अपना ये मैं पूरा सामान मैंने बेस के लिए रखा हुआ था, तो इसको निकालते हैं सब और ये इसको वापसी डाल देते हैं। हाँ तो सबसे पहले हमें चाहिए स्टोन कटर, स्टोन कटर कैसे बनेगा पता नहीं। ओके स्टोन कटर मिल गया था हमें, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो अब बनाते हैं बेस अपना, किधर बनाऊँ, एक काम करना था इसको ना डिसइंचेंट करके ना अच्छी बनानी थी, देखो ना अब डिसइंचेंट भी करते हैं। लपिस लजूली एफिशिएंसी 4, ओके मेरे पास स्प्लिट कर लेता हूँ, क्या फायदा। ओके तो मैंने सोचा है इस जो ये पूरा जो एरिया है, नहीं इसका नहीं, किस एरिया को करते हैं, एक काम करता हूँ पहले यहाँ से एरिया साफ करना शुरू करता हूँ, इसको पूरा सीधा करते हैं। पूरा क्लीन करते हैं इसको सीधा, टाइम लगने, ओए इन्वेंट्री फुल हो गई, चलो इसको मैं कंप्लीट करके मिलता हूँ 2 मिनट में। फाइनली सारा एरिया मैंने क्लियर आउट कर दिया है और एरिया बन के इतना बड़ा निकला है, तो अभी मुझे क्या करना है, इसको फ्लैट तो मैंने कर दिया, इसको और फ्लैट करूँगा बाद में, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना घर बनाएंगे। इस साइड पर मैंने जो सोचा हुआ है घर यहाँ पे होगा, ये जो एरिया देख रहे हो ये पूरा मैंने ये भी खाली कर दिया है, चलो आ रही है कर लेते हैं, हाँ ये भी मैंने खाली कर दिया है, यहाँ पर मैं स्टेयर्स लगा दूंगा, यहाँ पर थोड़ा विलेजर एरिया हो जाएगा, चेस्ट रूम वगैरह वगैरह वो सब वो सब। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे घर से, टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो गाइस फाइनली
1.5 घंटे की मेहनत के बाद घर फाइनली रेडी हो चुका है। मैंने सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी। अभी मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ, किस तरह दिखे ना बस, क्योंकि अभी मुझे दिखाना नहीं है। सामान पहले सारा लेकर आते हैं, हाँ यहाँ से पहले सामान लेकर आते हैं, वहाँ जो सामान रखना है वो रखते हैं। बहुत हालत अब ना, 1.5 घंटा तो हो गया मुझे बनाते बनाते। अब इन विलेजर्स का देखना है कि कहाँ जाएंगे ये इन चीज़ों को। तो मैं यार मतलब मैं कैसे लूँ इनको, लूँ या फिर जो ये एक स्टैक है मेरे, तो इनको ले लेते हैं। चलो ये चीज़ लेते हैं, बाकी चीज़ें फिर हम लोग बाद में करेंगे। और यहाँ पे मैं ऐसे भी कर दूँ ताकि पता चल जाए। उधर को दिख रहा होगा वैसे घर, बहुत मेहनत के बाद बना है। चलो ऐसे करके चलूँगा, दिखाऊंगा नहीं, देखें दिख क्या। तो ये रहा हमारा नया घर। देखो मुश्किल से मैंने 2 काओ भी यहाँ पे रख दी, इनको मारेंगे नहीं क्योंकि इनको फीड वीड करा के थोड़ा सा। किसकी आवाज़ है? नीचे ज़ॉम्बी वॉम्बी हो सकते हैं, नहीं उसकी हो सकती है। देखो ये रहा हमारा नया घर, सारी चीज़ें मैंने ट्रांसफ़र तो कर दी सिवाय ये 2 फर्नेसों के, एक यहाँ रखते हैं यहाँ बस। चलो सामान भी यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट कर दिया था, बस ये सॉर्ट करना बाकी था। तो यहाँ तो हमारा ब्लैक स्टोन ही ब्लैक स्टोन है। ये वाली इसमें डर्ट वर्ट रख देते हैं, इसमें ये रख देते हैं, इसमें ये रख देते हैं। सही है, मतलब मज़ा आया घर को बनाने में, जल्दी जल्दी हो गया ना, वैसे टाइम भी इतना नहीं लगा। अब मैंने सोचा सोऊंगा कहाँ, तो एक मैंने बेड यहाँ लगा दिया और एक यहाँ। तो फाइनली हमारा एक घर रेडी हो चुका है। ये देखो यहाँ से हम लोग गाँव के पास भी जा सकते हैं, हमारी छोटी मोटी गाँव के पास बाहर। हाँ तो हाँ पूरा घर हमारा रेडी हो चुका है, बस मुझे एक चीज़ करनी थी कि बस मुझे थोड़ा सा आयरन देना। हाँ मुझे क्या करना है, थोड़ा सा वहाँ से सामान भी लेकर आना है वो घर से, और दूसरे क्या मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वेट का फार्म वार्म में बनाना है, तो वो तो मैं बाद में बनाऊँगा। आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर ली, आर्मर कर लिया और बेस इतना अच्छा हम लोगों ने बना लिया, तो बस जो चीज़ें बची हुई हैं उसको लेकर आते हैं, फिर उसके बाद हाँ उठ करते हैं। ये देखो क्या किया है मैंने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पहले इनको निकालते हैं। विलेजर्स को मैं देखता हूँ किस तरह पर लेके जाएंगे। तोड़ देते हैं इसको भी, इसको लेके चल देते हैं। और इस घर में तो कुछ नहीं है, बस विलेजर्स हैं उनका बस देखना है। चलो वो जो काम करने के लिए मैं आया था वो तो किया ही नहीं। इसको यहाँ से शुगर केन लेते हैं, सैपलिंग, ओके दैट्स इट। चलो चलते हैं अपने घर की तरफ। अब नींद तो मुझे भी आ रही है, 1.5 घंटे के से घर बनाने की कोशिश कर रहा था, अच्छा बन जाए अच्छा बन जाए, बन ही गया अब तो अच्छा। चलो अब मुझे क्या करना है, अब जैसे अगर फ़िलहाल के लिए मैं नॉर्मल वेट फार्म बना रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ से एक डालूँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ये 4x4 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4x4 का एरिया होता है, तो मतलब 4x4 तक, 4x4 का जो एरिया होता है उसके अंदर जो रेडियस होता है उसके अंदर तक जो वीट या फिर कोई भी होता है वो ग्रो होता है। तो इसको हम लोग लगा देते हैं ग्रो की तरफ। अच्छा मुझे सीडी प्ले इसलिए मिला है क्योंकि मेरे जैसे आप अकाउंट देख सकते हो नया वाला है,
इस वजह से सारी मुझे अचीवमेंट दोबारा मिली है। एक पेड़ हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं और शुगर केन भी हम लोग ग्रो करने लगा देते हैं। मुझे पता है थोड़ा अजीब सा लग रहा है नीचे नीचे से, लेकिन ये इसको मैं बाद में ठीक कर दूंगा। टॉर्ची भी लगानी है मुझे यहाँ पर तो। लेकिन यार अब लग रहा है ना घर ये देखो, तो चीज़ें तो चेक करो। फिलहाल मैं ऐसे क्या करूँ, ये देखो ऑब्सिडियन ऑब्सिडियन ये सब। विलेजर्स के लिए हम लोग इसी साइड पर एक एरिया बनाएंगे, और मैंने जो सोचा है ना पूरा स्टोरेज रूम, अब स्टोरेज रूम में इस साइड की तरफ बनाऊंगा। लेकिन कमेंट्स में बताना कि ये किस तरह का घर लगा है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, आई होगी। टिल देन बाय गाइस, बाय 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 बाय।